हेलो एवरीवन, माइसेल्फ सोनू हार्डवेयर नॉलेज। हम बात करने वाले हैं प्रश्न वाला 16 के ऊपर, जिसका नाम क्या है, अलजेब्रा का घटाव। तो कल मैंने आपको सिखाया था कि किस प्रकार से अलजेब्रा का मैथ को जोड़ा जाता है, और आज मैंने आपको सिखाने जा रहा हूँ क्या कि किस प्रकार से घटाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट है। और कल मैंने आपको एक वीडियो में लास्ट डायलॉग भी बताया था फ्रेंड्स। वो डायलॉग क्या था? वो डायलॉग ये था कि आप चाहे कोई भी पेड़ उगाइए, उसका जड़ हमेशा मजबूत होना चाहिए। क्योंकि अगर जड़ मजबूत नहीं होगा ना, तो आपका कोई भी पेड़ ठीक से उग ही नहीं पाएगा। तो ये सभी क्या है? जड़ है। चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से मैथ बनेगा। तो कल देखिए मैंने आपको सिखाया था, जोड़ना है। यहाँ पर पहले आपको गुना करना है, फिर आपको घटाना है। कैसे? तो यहाँ समझिए, देखिए इस माइनस से हमको घटाना है। यहाँ देखिए माइनस दिया हुआ है, तो इसके पहले जो भी नंबर है ना, उसको पहले सिंपल सा छाप देना है, ब्रैकेट हटा करके इसको उतार दे। यहाँ पे उतारने के बाद यहाँ देखिए माइनस, और इसके बाद सब नंबर क्या ब्रैकेट में दिया गया है ना, यानी सब में आपको गुना करना पड़ेगा। बस सेम यही रूल देखिए यहाँ भी फॉलो हो रहा है। मतलब एक ही रूल का दो तीन तरीके से यूज हो रहा है, वो मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ देखिए, तो प्लस है, कुछ नहीं यानी प्लस, तो माइनस के साथ प्लस में जब गुना करेंगे तो क्या होगा? देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, यानी हमको यहाँ पे साइन क्या देना पड़ेगा? माइनस का साइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? माइनस टू एक्स। फिर देखिए माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, यानी कि जोड़ने पे कितना हो जाएगा? माइनस माइनस को यानी कि प्लस फोर एक्स। फिर देखिए माइनस और ये माइनस, तो क्या हो गया? प्लस थ्री एक्स। और इसके बाद का स्टेप तो मैंने आपको कल सिखाया ही था कि जो जो रहेगा सेम साइन का, पहले उसका काम कर दीजिए। तो देखिए माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस टू, अच्छा पहले इसका काम कर लेते हैं। प्लस फाइव, प्लस फोर, प्लस थ्री कितना हो गया? तो देखिए पाँच, चार, नौ, तीन, बारह हो गया, यानी कि बारह एक्स प्लस में। अब यहाँ पे आते हैं तो छः सात तेरह, तेरह दो हो गया पंद्रह, यानी कि फिफ्टीन एक्स। साइन क्या होगा? माइनस। घटाने पे कितना आता है आपका आंसर? ये यहीं पे लिखते हैं। तो देखिए बारह में से पंद्रह तो घटेगा नहीं, पंद्रह में से बारह घटेगा। क्यों? क्योंकि देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि घटाना पड़ेगा। तो पंद्रह में बारह के तो बचा हमारा तीन, थ्री एक्स। साइन क्या देंगे यहाँ पे? तो जो नंबर बड़ा है, तो देखिए बड़ा तो पंद्रह है, यानी कि माइनस थ्री एक्स हमारा ये आंसर हो गया। सेम फंडा यहाँ भी लगेगा। यहाँ देखिए यहाँ पर x के साथ y भी आ गया, इसके यानी कि इसका एक और दोस्त आ गया। तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? वो हमको थोड़ी दोस्ती निभाना है। यहाँ देखिए, तो पहला काम क्या करना है कि माइनस के पहले में जो दिया हुआ ब्रैकेट में, आप उसको ब्रैकेट को हटा करके लिखिए। लिख दिए। अब इसके बाद जो दिया गया है ना, उसका हर एक साइन के साथ आपको इस माइनस को गुना करना है। तो यहाँ पे क्या प्लस है? कुछ नहीं यानी कि प्लस। तो प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि माइनस हो जाएगा फोर एक्स। फिर देखिए माइनस माइनस क्या होता है? तो होता है प्लस, यानी कि हो जाएगा प्लस थ्री वाई। अब सॉल्व कीजिए यहाँ पे। अब देखिए, अब जब दोनों में अल्फाबेट जब अलग अलग हो, तो क्या करना है यहाँ पे? जो जो सेम अल्फाबेट रहेगा उसके साथ उसका काम करना। जैसे यहाँ पे एक्स का दिया है, तो हमको एक्स वाले के साथ सिर्फ एक्स का ही काम कर सकते हैं, वाई को लेकर नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि दोनों अलग नंबर है ना, इस कारण से। दोनों का अल्फाबेट अलग अलग है, जिसका भी अल्फाबेट सेम रहेगा उसका काम करते हैं, जिसका अल्फाबेट अलग रहेगा उसका काम एक साथ नहीं करते हैं। देखिए प्लस टू और माइनस फोर कितना हो गया? ये तो प्लस माइनस होता है माइनस, यानी घटाना पड़ेगा। चार में दो हो गया, बचा हमारा टू एक्स। माइनस साइन क्या हो जाएगा इसका? देखिए माइनस, क्योंकि फोर हमारा बड़ा है। प्लस थ्री वाई, प्लस थ्री वाई कितना हो गया? प्लस तीन, तीन हो गया छः वाई। ये हो गया हमारा आंसर। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सभी समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा दो नंबर और आ गया, मतलब कि कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी आ गया। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आया है? जेड एक्स्ट्रा आ गया है। तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि सेम अल्फाबेट का सेम अल्फाबेट वाले के साथ ही काम करते हैं, अलग वाले के साथ नहीं करना है। यानी कि इसका काम सिर्फ इसके साथ ही होगा, इसका काम इसके साथ ही होगा। हम लोग वाई का काम जेड के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ देखिए रूल क्या है, बीच में प्लस है। देखिए यहाँ पे आपको बोला घटाने के लिए, आप क्वेश्चन दिया प्लस का, इसमें हम क्या कर सकते हैं बोला ये। तो देखिए सबसे आसान होता है ये वाला मैथ। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले वाले को उतार देना साफ साफ, तो टू एक्स हो गया प्लस थ्री वाई हो गया प्लस थ्री जेड हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या प्लस, तो आप प्लस से किसी को भी गुना करेंगे ना माइनस वाले केस में, तो हमेशा आपका माइनस ही आएगा। लेकिन जब प्लस को सिर्फ प्लस के साथ गुना करेंगे तो आपको प्लस आएगा, यानी प्लस प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और बाकी सब ये क्या हो जाएगा? माइनस का माइनस ही रहेगा, यानी माइनस फाइव वाई और माइनस फोर जेड। अब यहाँ पे क्या करना है? सेम अल्फाबेट वाले के साथ काम करना है। तो एक्स यहाँ पर है, तो देखिए प्लस प्लस, तो प्लस प्लस होता है प्लस,
यानी 2 और 7 हो गया हमारा 9x, ठीक है। फिर यहाँ देखिए y और ये हो गया y, लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है यानी घटाना पड़ेगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारा 2y, बचेगा ना। लेकिन बात है कि दोनों में बड़ा कौन है, देखिए दोनों में बड़ा हमारा माइनस है, तो माइनस बोल रहे 5 बड़ा है ना, तो साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए +3 और -4, तो यहाँ देखिए जेड, यहाँ भी जेड, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस यानी घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे घटाने पे कितना आएगा, देखिए 4 में से 3 गया, बचा 1। क्या 1 लिखते हैं अलजेब्रा वाले क्वेश्चन में? नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, सिर्फ जेड। अब साइन किसका होगा फ्रेंड्स, तो देखिए दोनों में जो नंबर बड़ा है, तो 4 बड़ा है ना, यानी माइनस जेड हमारे ये आंसर हो जाएगा। इसको आप ब्रैकेट में देखे दिखा दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ देखे दिया हुआ, यहाँ पे ना मेन खेल है, इसके पहले वाले को जैसा उसके वैसे छाप देना है। तो 7x+3y+3z, यहाँ माइनस से गुना कीजिए, तो क्या आएगा, -5x+9y और क्या जाएगा, -8z। क्यों, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, सेम अल्फाबेट का काम सेम के साथ करना है। तो एक्स एक्स प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस होता है माइनस, यानी घटाने पे कितना आएगा 2x। दोनों में बड़ा कौन है, तो 7 बड़ा यानी साइन प्लस, वाई वाई प्लस प्लस, तो 9 3 हो गया 12x 12y सॉरी। फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस, तो प्लस माइनस यानी घटाना पड़ेगा, तो 8 में 3 गया तो बचा हमारा 5, यानी कि -5z। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये वीडियो मैं कंप्लीट कर सकता था, लेकिन इसके जैसा एक दो मैथ आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, ताकि आपका जो डाउट है थोड़ा सा क्लियर हो जाए अच्छे से, जो भी डाउट है हल्का फुल्का थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। यहाँ देखिए क्या, अब यहाँ पे अल्फाबेट में कुछ भी दिया रहे, चाहे आपका एक्स वाई जेड दिया रहे या फिर आपका ABCD दिया रहे, क्या फर्क पड़ता है, रूल तो आपको पता है ना। चलिए देखिए क्या है, तो माइनस के पहले वाले को पहले सेम सेम लिख देना है, तो क्या है -4a+9b+8c और ये क्या हो जाएगा -3d, कोई डाउट नहीं है। यहाँ देखिए तो -8a --+4b -+3c और फिर --+9d। अब सेम अल्फाबेट का काम उसके साथ करते हैं, तो a यहाँ पर है और a यहाँ पर है, यानी दोनों का काम पहले करेंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस यानी जोड़ना पड़ेगा ना, तो 4 8 हो गया 12 भाई, है ना 12a। साइन क्या हो जाएगा माइनस का, b के साथ काम b के साथ करेंगे, बी कितना हो जाएगा ये, तो 9 प्लस 4 यानी कि 13b, है ना 13b हो जाएगा ये। अब देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो साइन भी प्लस में। मुझे आशा है फ्रेंड्स कि मैंने आपको जहाँ तक भी मैथ अभी तक बताया, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको कहाँ पर ये प्लस देना है, कहाँ पर ये माइनस देना है। तो थोड़ा सा इसको हम स्पीड बढ़ाते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ देखिए 8c 3c दोनों प्लस में, तो कितना आएगा +11c, ठीक है। -3d+9d तो कितना आएगा +6d, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं, इसी का एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या है, सेम डिटो क्वेश्चन है, वही काम यहाँ भी करना है। तो क्या होगा, 15a -45b -36c+12d, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस का साथ प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -8a, माइनस माइनस हो गया +9b, माइनस प्लस हो गया -26c और माइनस माइनस हो गया कितना +13d। करते हैं काम, तो a यहाँ पर है और a यहाँ पर है, प्लस माइनस, तो 15 में 8 गया तो बचा हमारा कितना 7 है, -45 और +9 यानी घटाना पड़ेगा माइनस प्लस, तो 45 में 9 गया कितना बचा 36 9 45 होता है, यानी कि -36b। फिर देखिए 36c और 26c, देखिए तो ये भी माइनस है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 36 होता है 72 यानी कि 62 इसका आंसर आएगा, यानी -62c। +12d+13d कितना हो गया 12 13 25d, ठीक है। चलिए तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये मैथ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कल मैंने आपको जो सिखाया था जोड़ वाला कॉन्सेप्ट वापस समझ में आ चुका है, आज मैंने आपको सिखाया क्या, घटाव का कॉन्सेप्ट वापस समझ में आ चुका है। कल मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स,
हाँ, कि अब जो मैं मैथ आपको बताने वाला हूं ना, जोड़ हो चुका, प्लस घटा हो चुका, अब क्या करना, गुना करना है। उस गुना करने का एक तरीका होता है, एक इसका फॉर्मूला होता है, तो कल मैं आपको पहले फॉर्मूला बताऊंगा और उसके बाद फिर क्या करना है आपको मैं मैथ समझाऊंगा। आपका होमवर्क क्या है, उस फॉर्मूले को आपको समझ के रखना है, मतलब कि अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना है और उसके बाद फिर उस पर काम करना है। क्यों, वो फॉर्मूला कहाँ से आया, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि वो फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से, उसको प्रूफ करके दिखाइए, उसको सिद्ध करके दिखाइए, तो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, तो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। अब मैं आपको मिलता हूँ कल, जब तक के लिए बाय बाय।